हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आप भी अगर आपके लिए यहाँ पर कोई गाड़ी बाय करने वाले हो या अपनी फैमिली के लिए कोई भी यहाँ पर कार बाय करने वाले हो, तो आपको इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार होने वाली है ना 2022 के अंदर, आपको कौन सी कार बाय करनी चाहिए, और मैं यहाँ पर आपको टॉप 5 जो अपकमिंग कार बताने वाला हूँ जो 2022 के अंदर आपको देखने लिए मिलेगी इंडियन मार्केट में। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। तो गाइस, आप यहाँ पर इस वीडियो से पहले यानी इस वीडियो को देखने के पहले आप सोच रहे थे कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कार है जो अपने लिए बाय करनी है, तो डेफिनेटली आप 100% आप एक राइट जो थिंक है आपकी राइट है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं ना, उनका यहाँ पर फ्यूचर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मैं बताऊँ तो। बिकॉज़ जो जो पेट्रोल और डीजल वाली कार हो गई है ना, वो यहाँ पर जो आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर बैन होने वाली है यानी बंद होने वाली हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज यहाँ पर जो उनमें डीजल पेट्रोल आता है, वो यहाँ पर आपका कहाँ से आता है? इंडियन गवर्नमेंट से आता है, और इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पे करना पड़ता है। एंड गाइस, उसी की वजह से यहाँ पर आपको जो पेट्रोल डीजल वाली कार हैं, उनका यहाँ पर जो फ्यूचर है वो एंड होने की तादाद पर मुझे दिख रहा है। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के बेनिफिट की बात करूँ ना, तो गाइस ये इन्वायरमेंट में सबसे तेज़ी से बढ़ते पोल्यूशन को यहाँ पर कंट्रोल करेंगी। यानी जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, वो हम जो इन्वायरमेंट में यानी इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है ना पर्यावरण में, उसको यहाँ पर कंट्रोल करेंगी। एंड यहाँ पर आपको सेफ आपको यहाँ पर जो इन्वायरमेंट करने वाली हैं। एंड डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ तो वैसे ही धुआं भगाती हैं, उनमें तो आपको चलाते वक्त भी आपको यहाँ पर फील होता है कि कई कई गाड़ियाँ तो धुआं भगाती हैं, और यहाँ पर आपकी जेब पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। यानी आपकी जेब है ना, वो भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर घर पर एक चार्जर इंस्टॉल करवाया, उसका आपको पे करना पड़ेगा, और ताउम्र आप उसे यूज़ करते रहोगे। यानी आपको यहाँ पर कहीं पर भी लॉन्ग राइड पर जाना है, तो आप अपने जो कार की बैटरी है उसे चार्ज लगाया, और वो आपको यहाँ पर 100 मिनट के अंदर अंदर 100 मिनट से अंदर अंदर आपकी 100% है वो फुल चार्ज हो जाएगी। फिर आप उसे 400 से 500 किलोमीटर आप इजीली उसमें उससे ड्राइव कर सकते हो। एंड गाइस, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती हैं ना, वो आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने में उनको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी आप आने वाले फ्यूचर में फ्यूचर को देखते हुए अगर आपको यहाँ पर 10 से 15 साल अपनी कार को यूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कार की तरफ मूव कीजिए। तो गाइस, यही कुछ पॉइंट थे मेरी तरफ से जो कि आपको बताना था कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ क्यों बाय करनी चाहिए इस टाइम, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। एंड गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होने वाली है ना इंडियन मार्केट में आपको 2022 के अंदर देखने मिलने वाली है। उसमें आता है नंबर फर्स्ट पर होंडई। यस, होंडई की तरफ से आपको यहाँ पर होंडई ओनिक 5, जो कि यहाँ पर दक्षिण कोरिया की मैन इलेक्ट्रिकल जो कार बनाने वाली कंपनी है, यानी होंडई आपको यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग इसके जो कार होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा बाय करना प्रेफर करते हैं। बिकॉज ये आपको हर सेगमेंट में आपको यहाँ पर इसकी कार अवेलेबल हो जाते हैं डीजल के अंदर अब तो, बट यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में इसकी हर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार आपको हर बजट सेगमेंट में देखने के लिए मिलेगी। फिर आप यहाँ पर 5 से 10 लाख के बीच में देख लो। एंड गाइस, इस कार के साथ जो हुंडई है ना, वो इंडिया के साथ अदर कंट्रीज़ में भी ग्लोबली है ना, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी इलेक्ट्रिकल कार के सेगमेंट में। हुंडई इनिक 5 लॉन्च होने के बाद आपको यहाँ पर जो ग्लोबली है ना, वो यहाँ पर हुंडई की यहाँ पर पकड़ है वो ज़्यादा आपको देखने लिए मिल जाएगी। एंड गाइस, हुंडई की तरफ से जो हुंडई इनिक 5 है, इसको यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। एंड गाइस, इस क्रॉसओवर मॉडल में आपको हुंडई में आपको पॉपअप डोर एंड यहाँ पर आपको इन विल्ड शील्ड सनरूफ एंड यहाँ पर आपको 20 इंच का अलॉय व्हील एंड यहाँ पर ब्लैक रूफ देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गाइस, इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो 185 किलोमीटर पर हावर्स, यस 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये स्पीड पकड़ती है। आई मीन गाइस, ये ओनली 8.5 सेकंड के अंदर ये आपको 0 से 100 जो स्पीड है ना, उसको अचीव कर लेती है। यानी आप ड्राइव करते समय इसे काफ़ी स्मूथली हैंडल कर पाओगे। उसी के साथ गाइस, अब इसके इलेक्ट्रिकल बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइस, हुंडई की इस कार में आपको 58 किलो का आपको यहाँ पर बैटरी क्षमता देखने लिए मिल जाती है। उसी के साथ सिंगल मोटर का सपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको 58 से 167 HP की जो पावर 3.5 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल कार की रीजन से यानी इसके अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना होंडई की तरफ से, वो भी यहाँ पर आपको 20 इंच के प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर एक इसकी तरफ देखना चाहिए। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर आपको
12 इंच का आप यहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम है वो प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर जो केबिन है उसके अंदर। उसके अलावा गाइस दोनों साइड में आपको यहाँ पर जो चार्जिंग का पोर्ट देखने लें मिल जाता है, यानी इस साइड भी और इस साइड भी आप इसे चार्ज लगा सकते। इन्यूक 5 आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिख जाती है। इसका गाइस ऑल व्हील ड्राइव मॉडल 232 HP एंड यहाँ पर 605 NM की टॉर्क जनरेट करता है। एंड गाइस इसका ऑल व्हील जो ड्राइव मॉडल है वो आपको यहाँ पर 235 HP एंड यहाँ पर 605 ग्राम की जो टॉर्क जनरेट करता है। उसके अलावा गाइस इसका जो टॉप मॉडल है ना वो 6.1 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड है वो पकड़ लेता है। एंड गाइस इसके प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ तो गाइस इसका प्राइस होने वाला है इंडियन मार्केट में 20 लाख रुपये के आसपास। इसका आपको स्टार्टिंग का प्राइस देखने लिए मिल जाता है जून 2022 से 2022 के एंड तक आपको इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। इसके अलावा गाइस मैं यहाँ पर जो 4 कार होने वाली है ना वो यहाँ पर SUV ऐड किया हूँ अपनी लिस्ट में जो कि आपको 2022 में देखने लिए मिलने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वेल्वो है ना वेल्वो की तरफ से यहाँ पर आपको न्यू XC40 रिचार्ज आपको देखने लिए मिल जाएगी। यस आपको ये वेल्वो की तरफ से देखने लिए मिलती है। वेल्वो का आपको तो नाम तो सुना ही होगा, यानी इसकी ज़्यादातर आपको बसें देखने लिए मिलती हैं जो इंडियन मार्केट में। बट यहाँ पर वेल्वो है ना वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार के सेगमेंट में उतर चुका है, तो यहाँ पर आपको इसके भी आपको है ना आपको जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं ना वो आपको इंडियन मार्केट में देखने लिए मिलेगी। एंड गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर वेल्वो ने यहाँ पर SUV से ही स्टार्ट किया है। तो गाइस यहाँ पर वेल्वो XC20 का ये इलेक्ट्रिकल मॉडल है। यस आपको ये इलेक्ट्रिकल मॉडल देखने लिए मिल जाता है उस कार का। एंड गाइस बीते दिनों में जो स्वीडिश कार निर्माता कंपनी है ना उसने यहाँ पर कहा था कि आने वाले फ्यूचर में हम यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रिकल कार हैं वो अपनी तरफ से लॉन्च करेगी। तो पहला आपको यहाँ पर ये सबूत देखने लिए मिल गया वेल्वो की तरफ से। तो यहाँ पर आपको वेल्वो XC40 इनमें से आपको एक मॉडल देखने लिए मिलेगी इन चारों में से। तो आपको यहाँ पर इसके डिज़ाइन की बात करूँगा तो गाइस इसको वेल्वो की आपको यहाँ पर बसें इतनी प्रीमियर देखने लिए मिलती हैं, यानी आपको उनमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो वेल्वो की इस XC40 रिचार्ज जो कार होने वाले ना उसमें तो आप मान ही सकते हो कि कितने आपको यहाँ पर पावरफुल इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना इस कार का वो काफ़ी कैपेबल देखने लिए मिलेगा। एक इलेक्ट्रिकल कार में जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो और यहाँ पर आपको जो यूज़ होने चाहिए ना जो आपको प्रोडक्ट वो यहाँ पर वेल्वो की तरफ से ऑल इसमें देखने लिए मिलेंगे। डिज़ाइन गाइस इसका आपको प्रीमियर देखने लिए मिलेगा, चाहे आप यहाँ पर साइड से देख लो एंड यहाँ पर फ्रंट का जो इंटीरियर होगा वो आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियर देखने लिए मिलेगा। आई मीन गाइस उसकी तो आप बात ही मत करो, यानी उसका आपको लुक ही एकदम जो लग्जरी कार का फील देने वाला है। उसके साथ गाइस इस कार के इलेक्ट्रिकल चार्ज सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं तो गाइस आपको इसमें XC40 में आपको ड्यूअल मोटर पावर ट्रेन के साथ आती है। यस आपको यहाँ पर दो जो बैटरी के साइज देखने मिलते हैं अलग अलग डिफरेंट जिसमें आपको यहाँ पर एनी एक्सल पर आपको यहाँ पर 150 kg मोटर और यहाँ पर इस कार को यहाँ पर 408 का आपको यहाँ पर DCP की पावर जनरेट करता है। उसके साथ गाइस वेल्वो XC40 में आपको यहाँ पर 78 kWh का बैटरी पैक से लेस आपको ये कार देखने लिए मिल जाती है। उसके साथ गाइस इस SUV की टॉप स्पीड की बात करूँ तो गाइस 180 किलो आपको ये पर हावर की स्पीड है वो प्रोवाइड कर देती है। उसके साथ गाइस ये SUV है ना वो 4.7 सेकंड में आपको यहाँ पर 100 की स्पीड है वो अचीव कर लेती है, यानी आपको अगर ड्राइव कर रहे हो और फिर आपको यहाँ पर जो कार का एक्सपीरियंस होगा ना चलाते टाइम में यानी ऑन रोड पर वो आपको यहाँ पर एकदम अलग ही देखने लिए मिलेगा कि क्या पता हम यहाँ पर किस लग्जरी कार में यहाँ पर बैठ कर कार ड्राइव कर रहे हैं। तो गाइस डेफिनेटली आपको यहाँ पर वेल्वो की तरफ से यहाँ पर अच्छा खासा काम किया जा रहा है। एंड गाइस वेल्वो का कहना है इसकी चार्जिंग डिपार्टमेंट के अंदर कि ये 14 मिनट के अंदर आपको 18% है वो इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, यानी आपको ये 14 मिनट यानी 15 मिनट के अंदर तो ये फुल चार्ज हो जाएगी। इसके साथ गाइस ये SUV आपको यहाँ पर 11 kW के चार्जर के साथ पेश की गई है। उसके साथ गाइस ये 150 kg DC फास्ट चार्जर के साथ लॉन्च हुई है। लॉन्च डेट की बात करता हूँ तो गाइस 2022 में मार्च एंड मई में आपको यहाँ पर ये लॉन्च होती हुई दिख सकती है। वो यहाँ पर इतने अच्छे आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज़ करता है और यहाँ पर इसका डिज़ाइन की बात करूँ ना तो गाइस इसका जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ पर ऑल राउंडर
यानी ऑल राउंडर आपको जो पर्सन होते हैं ना, जो कार को यहाँ पर देखकर उसका जो बाय करने का डिसीजन बताते हैं, वो आपको इस कार को बाय करने से आपको यहाँ पर इस मना नहीं करेंगे कि आप इस कार को बाय मत करो। फ्रंट इंटीरियर एंड यहाँ पर इसका जो चारों ओर का लुक देखने लिए मिलता है, लग्जरी कार का फील आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर हुंडई की तरफ से हुंडई कोना ईवी एक और लॉन्च की जाएगी। उसके अलावा गाइस ये जो कार है ना हुंडई कोना ईवी, ये इंडियन मार्केट में आपको यहाँ पर जो 16 अलग अलग कलर में आपको यहाँ पर पेश की जाएगी, यानी जो 8 कलर है ना वो आपको पहले वाले देखने मिलेंगे एंड जो नए आपको यहाँ पर 8 कलर देखने मिलेंगे वो एकदम न्यू देखने लिए मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसे प्रेफर कर सकते हो कि फैमिली में किसे किस जो कलर की कार है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मेरे को तो गाइस यहाँ पर जनरली ब्लैक कलर ही पसंद आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यहाँ पर कार का कौन सा कलर है वो सबसे अच्छा लगता है और आप सबसे ज़्यादा उसे पसंद करते हो। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना इसके रिगार्डिंग। तो एंड गाइस ओन बाय मॉडल के मुकाबले जो न्यू मॉडल होने वाला ना उसमें यहाँ पर आपको 40 मिलीमीटर लॉन्ग है, यानी आपको ये लॉन्ग देखने लिए मिलेगा लंबाई के मामले में। तो गाइस हुंडई कोना ईवी के डिज़ाइन की बात ही क्यों ना कर ली जाए, तो हुंडई कोना ईवी का से ऊपर से यहाँ पर पर्दा उठ चुका है। इस इलेक्ट्रिकल कार में आपको रीडिजाइन फ्रंट लैंप का यूज़ किया गया है। फेस स्लिम मॉडल में ज़्यादा स्लिक हेडलैम्प, यस ज़्यादा स्लिक हेडलैम्प का यूज़ किया गया फ्रंट की तरफ, जिससे इसको एक प्रीमियर लुक है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ गाइस न्यू डिज़ाइन के साथ DCRL का यूज़ इसमें हुआ है। इस कार के केबिन में यानी आपको यहाँ पर हुंडई की तरफ से यहाँ पर आपको 10.25 इंच का आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। एंड गाइस हुंडई के जो टॉप मॉडल होने वाला ना उसमें यहाँ पर आपको हुंडई ब्लू बटन टेक्नोलॉजी हाई वेरिएंट में यूज़ हुआ है, यानी उसमें आपको अदर फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी आपको कार के रिगार्डिंग। एंड गाइस उसमें फीचर्स भी ज़्यादा होंगे टॉप मॉडल होगा ना उससे, यानी हुंडई कोना ईवी में तो थोड़े कम देखने को मिलेंगे, यानी ब्लू बटन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इस कार में यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन स्टैंड रूफ दिया गया है। एंड उसके अलावा गाइस इस कार में यहाँ पर आपको 13.92 TWH और यहाँ पर 64 का TWH के साथ दो बैटरी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी आपको दो बैटरी एक आगे पीछे आगे, यानी दो बैटरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको जो 136 HP एंड यहाँ पर 240 HP पावर जनरेट करते हैं, यानी ये आपको मैंने बता दिया हुंडई की यह इलेक्ट्रिकल कार स्मॉल बैटरी के साथ आपको यहाँ पर 305 kg एंड यहाँ पर बिग बैटरी के साथ 480 kg की आपको दूरी तय कर लेती है। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको इसके लॉन्च रेट की बात करूँ तो गाइस mid-2020 में ये लॉन्च होती हुई आपको इंडिया में दिख सकती है। उसके साथ प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ तो गाइस 24 lakh rupees के आसपास ये आपको इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। एंड गाइस इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी इसकी लॉन्च रेट है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज ये डिफरेंट कलर में अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी हुंडई की तरफ से, तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। टाटा यानी टाटा की तरफ से टाटा सेरा ई SUV एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कार टाटा मोटर्स ने टाटा सेरा ई SUV को एक इलेक्ट्रिकल अवतार यानी न्यू अवतार में यहाँ पर पेश किया है। डिज़ाइन के तौर पर गाइस जब टाटा सेरा ई SUV के ऊपर से पर्दा उठा तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे देखकर हैरान हो गए, इसके न्यू प्रीमियर और एकदम अलग ही जो लुक है उसको देखकर। व्हील बॉडी पर करेक्टर लाइन, फ्रंट से इंटीरियर इसका काफ़ी शानदार। उसके अलावा गाइस टाटा सेरा ई SUV में आपको यहाँ पर रीलोवर पैसेंजर सीट है वो प्रोवाइड की गई है, जो चारों ओर से मूव करता है, यानी चारों ओर आपको ये मूव करता हुआ दिख जाएगा, यानी आपको ये पैसेंजर अगर मैं यहाँ पर इधर ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इधर से भी आपको यहाँ पर जो घूम सकता हूँ अपनी जो सीट है उससे, यानी इसका ये प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके साथ गाइस इसका जो रूफ़ है वो कंप्लीट ग्लास से डिज़ाइन किया गया है, जो कि साइड के विंडो तक आपको देखने लिए मिलता है। उसके साथ गाइस LED हेडलैम्प, फ्लोर पर वुड लकड़ियों का यूज़ हुआ है जो इसको एक लग्जरी फील आपको प्रोवाइड करता है। सिंगल चार्ज पर 410 किलोमीटर आपको ये दूरी तय करती है सिंगल चार्ज पर। लॉन्च रेट की बात करता हूँ तो गाइस ये आपको टाटा सेरा ई
SUV आप यहाँ पर 2022 के मिड में आपको यहाँ पर देखने लिए मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। उसके साथ गाइस इसके प्राइस की बात करता हूँ तो गाइस 25 लाख रुपीज़ के आसपास इसकी इंडिया में प्राइस होने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा की कोई यहाँ पर SUV चाहिए थी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस SUV का लॉन्च होने के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज ये आपको एकदम प्रीमियर और एकदम लग्जरी कार देखने लिए मिलेगी टाटा की तरफ से। टाटा की तरफ से गाइस इसके अलावा और भी यहाँ पर जो 5 से 6 आपको जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो 2022 में देखने लिए मिलेंगी, उनके ऊपर भी गाइस मैं यहाँ पर डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप यार हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी चेकआउट करना। महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर आपको EXUV 300 है वो प्रोवाइड की जाएगी 2022 में। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा की तरफ से जो EXUV होने वाले हैं ना वो काफ़ी पावरफुल इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, यानी इसको चलाने पर गाइस फील तो यहाँ पर आपको XUV जैसा ही आएगा बट डीजल वाली XUV जैसा आपको फील यहाँ पर नहीं आएगा। उसके साथ गाइस उसकी आवाज़ जैसी आवाज़ आती थी ना उसमें उस तरह यहाँ पर आवाज़ को भी यहाँ पर ज़्यादा मेंटेन किया गया है, यानी इसके आवाज़ को भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया गया है, कम किया गया है। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो बेसिकली आपको यहाँ पर ज़्यादा जो शोर है वो कहाँ पर करते हैं। इस साथ गाइस डिज़ाइन के तौर पर ये न्यू फीचर से लैस होगी, यानी चारों तरफ से यहाँ पर आपको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इस इलेक्ट्रिकल कार में महिंद्रा की तरफ से। यानी महिंद्रा की तरफ से ये SUV 300 होने वाले ना वो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उससे लैस आपको लॉन्च होती हुई दिख जाएगी इंडियन मार्केट में। उसके साथ गाइस काफ़ी प्रीमियर एंड यहाँ पर स्मार्ट इंजीनियर का यूज़ इसमें किया जाएगा, जो आपको यानी दूर से एक अलग फील होने वाला है कि क्या पता कौन सी लग्जरी कार है वो आ रही है। उसके साथ गाइस सीट है उसमें यहाँ पर आपको चेंजेस देखने मिलेगा, यानी आपको जो कंफर्टेबल सीट है वो इसमें यूज़ की जाएंगे महिंद्रा की तरफ से। सेफ्टी के लिए यानी आप अपने परिवार को लेकर यानी आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर महिंद्रा ने पूरा यहाँ पर ध्यान रखा है। यानी महिंद्रा ने यहाँ पर GNCP में सेफ्टी रेटिंग में यहाँ पर आपको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, यानी महिंद्रा EXUV 300 को। तो आप यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से अगर आप कोई भी कार यहाँ पर बाय करने वाले हो तो महिंद्रा EXUV 300 की तरफ आप ज़रूर देखना। यह आपको जुलाई 2022 में के आसपास यानी इससे ऊपर नीचे आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो गाइस 10 से 12 लाख रुपीज़ इसकी प्राइस होने वाली है इंडिया में। यानी आपका यहाँ पर इतना बजट है तो डेफिनेटली आप महिंद्रा का अगर यहाँ पर आपको कोई SUV चाहिए था तो महिंद्रा की ये SUV 300 आपको यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सूटेबल होने वाली है सेफ्टी के मामले में। इसके अलावा भी अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर माइंड में और जो इलेक्ट्रिक कार का जो चल रहा है थिंक चल रही है तो कमेंट बॉक्स में आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर से बता देना कि क्या उसकी आपको जानकारी चाहिए। एंड गाइस उसके लिए अगर आपका मैं इमीडिएटली अगर आपके यहाँ पर मैं जो सवाल पिक नहीं करता हूँ तो उसके लिए शोरी। एंड गाइस अगर आप जो अपना जो सवाल है वो हमें यहाँ पर इंस्टा पर भी आप हमें यहाँ पर कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखने लें मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको इंस्टेंट है वो आपके सवालों का जवाब दे दूँगा, वरना आप यहाँ पर कमेंट करके भी आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको और किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर से बताना और उसमें कौन कौन से फीचर्स आपको ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए, कौन क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए, सब कुछ आपको वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सेफ ड्राइव और ऑलवेज स्माइल।